तो गेट के क्वेश्चंस जो भी आप सॉल्व करेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और जैसे ही न्यूमेरिकल कराना मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों को, और आप उसको ट्राई करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे साथ वो क्वेश्चन क्लास के ड्यूरेशन में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नया होगा इसीलिए उसको क्लास में कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन क्लास में भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वो नया लगेगा तो उसको क्वेश्चन को हम क्लास में सॉल्व जरूर करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों को क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आप लोगों का बहुत सारा टाइम बचता है, आप घर पे बैठते हैं, तो उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्राई करेंगे, जैसे कि उससे मेरा भी मेरे को भी कंटेंट मिल जाएगा, आप लोगों को भी कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, मेरे पास 10 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन अगर आप शेयर करेंगे, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन मेरे को भी मिल जाएंगे और आप लोगों को वो सॉल्व भी करवा पाऊंगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अब स्टार्ट कर लेनी चाहिए, 6 सेमेस्टर है आप लोगों का, तो आप लोग खुद जानते हैं कि अभी जॉब की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज वाले अभी ले नहीं रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी गवर्नमेंट की भी नहीं निकल रहे हैं, पर गेट का एग्ज़ाम पिछले साल भी हुआ था, ठीक है, इस साल भी हुआ है, अगले साल भी होगा, ऐसे ही IES का एग्ज़ाम, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम आपका होगा, इसलिए आप अपने अभी मान के चलिए आपके पास ये दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इसीलिए आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, 6 सेमेस्टर है आप लोगों का, अभी से ही आप कोशिश कीजिए गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप लोगों की हम हेल्प भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा सिलेबस में, ज़्यादा सिलेबस पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि अपन वैसे ही लेट चल रहे हैं, बस मैं इस सिलेबस में ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, कौन सा टॉपिक बाद में, ठीक है। तो पहले मैं सिलेबस आप लोगों को शो करता हूँ, वैसे देखा तो होगा आप लोगों ने सिलेबस, बट अपन को अभी बस ये बताना है कि सिलेबस में आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, कोई भी जवाब दे दे। यस सर, ये सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को, तो क्यों मैं बस ये चीजें बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएंगे और क्यों पहले पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, अपन सबसे पहला पोर्शन अपन यही कवर करेंगे, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव और आउटकम, ये कोई काम का नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मतलब ये है कि सब्जेक्ट के क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, और तो सीओ आप कोर्स आउटकम आप लोगों को शेयर कर लेंगे और वो देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अपन फाइनली स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फर्स्ट कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, ठीक है। इसमें वेरिएबल लोडिंग होती है, ठीक है, और वेरिएबल लोडिंग की वजह से अपन मटेरियल में फटीग आ जाता है, वो फटीग होता क्या है मैं वो समझाऊंगा आप लोगों को, अभी आपको वो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फटीग जिस मशीन मटेरियल में आता है उसके लिए कुछ थ्योरी बनी है 3-4, एक तो गुडमैन लाइन सोडरबर्ग और एक गड़बड़ पैराबोला भी है जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। तो 3 तरह की थ्योरी बनी है, उसी से ही मतलब अपन फटीग को मटेरियल में फटीग जो एंड्योरेंस लिमिट है वहां तक अपन पहुंचाते हैं, तो ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो क्यों पहले पढ़ना है अपन को, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं उसमें आपका हर टॉपिक में फटीग कंसिडरेशन है, ठीक है, मतलब वेरिएबल लोडिंग है। जैसे कि स्प्रिंग की बात करें, यहाँ पे आपके कोर्स में स्प्रिंग भी है शायद, यहाँ इसके नीचे भी होगा, स्प्रिंग भी आपके कोर्स में होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये डिजाइन ऑफ हेलिकल कंप्रेशन टेंशन स्प्रिंग, तो आपने शायद हो सकता है स्प्रिंग की डिजाइन पढ़ी हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने स्प्रिंग पढ़ा हो सकता है आपके सिलेबस में हो, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अंडर वेरिएबल स्ट्रेसेस,
अंडर वेरिएबल स्ट्रेसेस आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी टॉपिक हैं जिसमें अपन को सिर्फ स्टैटिक लोडिंग की बात नहीं करनी है, हमें वेरिएबल लोडिंग की भी बात करनी है। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक अपन को मजबूरी है, अपन को यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी टॉपिक में ही लगना है। उसके बाद जो आपके जो टॉपिक आएंगे उसमें डायरेक्ट डिज़ाइन है और उसमें अपन को इसी टॉपिक का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है आपका ये डिजाइन ऑफ गियर टीथ टॉपिक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ गियर टीथ, इसलिए पढ़ेंगे अपन क्योंकि डिजाइन जो गियर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ चुके हैं तो उसमें उसके कंटेंट आपको पता है, जैसे कि अडेंडम डिडेंडम। तो ये आपका टॉपिक मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए, पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपन दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये अपन डिजाइन ऑफ गियर टीथ, गियर डिजाइन ऑफ गियर, ठीक है। इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो गियर टीथ और इसके बाद डिजाइन एंड फोर्स एनालिसिस ऑफ एज पर गियर, ये आपका पूरा डिजाइन पोर्शन है, ठीक है। तो इसके बाद अपन सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे ये वाला, पहला सेकंड नंबर वाला पढ़ेंगे, उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला यूनिट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जर्नल बियरिंग। इसके बाद जर्नल बियरिंग पढ़ेंगे, जर्नल बियरिंग भी बड़ा टॉपिक है। दो तरह के बियरिंग होती है, एक तो स्लाइडिंग बियरिंग और दूसरा जर्नल बियरिंग, दोनों की अलग अलग डिजाइन है, ठीक है। और ये टॉपिक आप लोगों को थर्ड पोर्शन में इसलिए रखा है, इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सिलेबस से आपका अलग है। मतलब यहाँ पे इसमें अपन वेरिएबल लोडिंग की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर आप कहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है इस पूरे सिलेबस में, तो वो है आपका बियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन को छोड़ना नहीं है, और ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए इसको मिडिल वाले पोर्शन में रखना बेस्ट रहेगा। इसीलिए थर्ड वाला टॉपिक अपन जो सिक्स्थ वाले जो पोर्शन है वो अपन थर्ड यूनिट उसको में कन्वर्ट करके अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, और स्प्रिंग टॉपिक आप लोग वैसे भी थोड़ा बहुत स्प्रिंग का पोर्शन पढ़ चुके हो, मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में था, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में मेरे ख्याल से होना चाहिए था। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपन तो शुरू से ही पढ़ेंगे तो फोर्थ वर्क का जो पोर्शन होगा वो फोर्थ जो पोर्शन होगा वो आपका डिजाइन ऑफ हेलिकल टेंशन एंड टॉर्शन स्प्रिंग अंडर द वेरिएबल स्ट्रेसेस। इसमें अपन पहले स्टैटिक स्ट्रेसेस भी कवर करेंगे, जैसे कि आपको वेरिएबल स्ट्रेस भी समझ में आया, ठीक है। तो अपन बेसिक से चलेंगे और इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बेल्ट टॉप पुली ड्राइव। आप लोगों ने शायद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा है आप लोगों ने सब्जेक्ट? हाँ सर, उसमें था ये, उसमें बेल्ट ड्राइव था। हाँ सर, पढ़ा है। बस बहुत आसान है और कुछ नहीं इसमें करना है। आप लोगों ने यहाँ पे फोर्स निकाला है बेल ड्राइव रोप ड्राइव में फोर्स निकाला है आपने, मतलब टेंशन इन टाइट साइड टेंशन इन स्लैक साइड ये आपने पढ़ा है। तो टेंशन आपने निकाला है और टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होता है और अपन ज्यादा स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। अगर फेलियर को अपन कंपेयर करते हैं फेलियर के साथ तो ज्यादा स्ट्रेस कंसीडर, तो मतलब टेंशन इन टाइट साइड को कंसीडर किया जाएगा। और उसमें अगर स्ट्रेस अगर निकालनी होगी तो किसकी जरूरत है, सिर्फ एरिया की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है बेल्ट का तो एरिया का डिवाइड कर देंगे तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। सिंपली आपको एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे आसान टॉपिक आपका ये रहेगा डिजाइन ऑफ बेल्ट रॉप एंड पुली ड्राइव। इससे आसान टॉपिक आपको मतलब पूरे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद सबसे आखिरी में अपन जो पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ आईसी इंजन कंपोनेंट। सबसे टफ, मतलब एक्चुअली में टफ क्यों है, टफ में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, टफ एक्चुअली में नहीं है, इसमें आपको रटने का बहुत ज्यादा है,
इसमें एक्चुअली थ्योरी नहीं है, आता न्यूमेरिकली है, पर एक्चुअली मैं यहाँ पे डिजाइन ऑफ आईसी इंजन कंपोनेंट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले एम्पिरिकल रिलेशन है, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं जिनको अपन ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे मतलब मैं इसको टफ मानता हूँ, क्योंकि इसको रटना पड़ता है अपन को। पर इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो ऑप्शन ये है कि आपको डिजाइन डेटा बुक मिलता है। डिजाइन डेटा बुक कंसीडर करते हैं तो डिजाइन डेटा बुक में कुछ फार्मूलाज आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, पर सारे फार्मूलाज नहीं मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, एम्पिरिकल रिलेशन जो होते हैं वो लेंथी बड़े होते हैं जनरली, तो उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर अपन उस फॉर्मूला को भूल जाते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे आखिरी में रखेंगे, क्योंकि एक तरह से बोरिंग भी होगा क्योंकि अपन डिराइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसको अपन मतलब डिजाइन डेटा बुक का यूज करके अपन कुछ एम्पिरिकल रिलेशन देखेंगे कि डिजाइन डेटा बुक में कौन से रिलेशन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे मेन बात अब मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। ये तो आपका सिलेबस हो गया, तो अब मैं बेसिक ये बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने सिंगल लोडिंग का पढ़ा है। आप लोगों ने मेरे पास कोशिश करूंगा कि माउस भी नहीं है और पैड भी नहीं है, तो कोशिश करूंगा बनाने की। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें एक बार है, ठीक है, जहां पे लोड लगता है पी या कोई भी लोड, मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, और उसमें आपको क्वेश्चन में दे देते हैं एरिया दे देते हैं, कोई भी एरिया दे दिया, ए एरिया दे देते हैं 20 mm स्क्वायर मान लो, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ अपन एक्चुअली में अभी डिजाइन और मशीन एलिमेंट पढ़ने के हवाले एक्चुअली में बस अभी ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए, अगर आपको डिजाइन और मशीन एलिमेंट सेकंड अच्छे से समझना है तो आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा नहीं है कि मैं पूरा तो आप लोगों को मैं कवर नहीं कर सकता कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बताऊँ और ये भी बताऊँ, और वैसे भी अपन लेट हो चुके हैं, तो आपसे मतलब आप लोग कम से कम इतना कर लें कि आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो आपने पढ़ा है उसको एक बार बस रिवाइज कर दें। ठीक है, कम से कम आप लोग शुरुआत वाला पोर्शन तो रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि बाहर है और इस पे 20 न्यूटन का लोड लग रहा है और एरिया भी 20 mm स्क्वायर है, तो ये शुरुआत वाला सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक, और सेकंड आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला टॉपिक, इन दोनों को तो आप लोग बिल्कुल अभी रिवाइज कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सेकंड समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी के ही कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक लोड दिख रहा है, वहां पे आप डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में आपको
वेरिएबल लोड दिखेगा, कभी लोड 20 होगा, कभी 40 होगा, कभी 10 होगा, ये होगा, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अभी जैसे क्वेश्चन ये है, एक बार है जहाँ पे 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 न्यूटन का लोड लग रहा है जहाँ पे, ठीक है, 20 न्यूटन का लोड लग रहा है और एरिया 20 mm² है, तो आप लोग उसका स्ट्रेस निकालिए। ये क्वेश्चन आता है और बड़ा आसान है। अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, 20/20 करेंगे, मतलब इसका 1 MPa आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, सब लोग सबने सबको याद है इसके बारे में, तो इसके बारे में सबको पता है बेटा, सबको पता है इसके बारे में। अभी तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो आपको समझ में आया, पर नेक्स्ट क्लास से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कम से कम 2 टॉपिक तो ये जो मैंने बताए हैं वो तो आपके रिवाइज होना जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन क्या पढ़ते थे, स्टैटिक लोडिंग, जिसका मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल में, किसी भी बार में, किसी भी मतलब कोई भी चीज, मतलब आप पिलर कह सकते हो घर पे, जो भी पिलर बने हुए होते हैं, या फिर आप खंबा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते कुछ भी, एक ब्रिज कह सकते हो जो बनी है, तो मतलब कोई भी एक चीज ले लीजिए जहाँ पे सिर्फ एक लोड लग रहा है, मतलब 20 न्यूटन का, हमेशा के लिए 20 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो उस केस में वहां उस मटेरियल का, उस बार का स्ट्रेस कितना होगा वो अपन निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। पर आप लोगों को पता है, जैसे कि एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ वेरिएबल लोडिंग का, वो है ब्रिज, जो है वो ब्रिज बनी हुई होती है, देखिए ना ब्रिज, तो सभी ने देखिए, तो ब्रिज जो है उस पे आप बताइए एक ही लोड लगता है क्या, कभी एक इंसान गुजरता है उसमें, उस इंसान का वेट 70 kg है, ठीक है, कभी 10 गाड़ियां निकलती हैं, उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, 1000 kg है, मतलब 10,000 kg तक हो जाता है, तो मतलब क्या है, वो क्या है कि उस ब्रिज पे वेरिएबल लोड लग रहा है, मतलब हर बार एक जैसा लोड नहीं लग रहा है, हर बार 20 न्यूटन का लोड नहीं लग रहा है, वहां पे क्या है, लोड चेंज कर रहा है, कभी 10 इंसान गुजरते हैं, कभी एक ही इंसान गुजरता है, कभी एक गाड़ी निकलती है, कभी 10 गाड़ियां निकलती हैं वहां से, तो ऐसे क्या लोड चेंज हो रहा है। उस केस में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो फेल यील्ड पॉइंट पे ना होके वो कहाँ पे, यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो जाता है मटेरियल। अपन ने अभी तक पढ़ा है यील्ड पॉइंट, अपन ने पढ़ा होगा यूटीएम मशीन में भी देखा है अपन ने कि जब भी कोई डक्टाइल मटेरियल होता है वहां पे क्या होता है, जब एक अपन लोड लगाते हैं 20 न्यूटन का, तो लोड लगाते हैं तो एक यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट आने के बाद मटेरियल आपका फेल हो जाता है, ठीक है, यही होता है। तो पर एक्चुअली में अपन ने ये बताया कि किसी मटेरियल का यील्ड पॉइंट, मैंने मान लिया किसी मटेरियल का यील्ड पॉइंट 200 MPa है, ठीक है, किसी मटेरियल का यील्ड पॉइंट 200 MPa है, और उस केस में अपन कितना लोड लगा सकते हैं मैक्सिमम उस मटेरियल में, तो वो अपन कैलकुलेट कर देते हैं, स्ट्रेस गिवन है, एरिया गिवन है, उससे फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। यील्ड पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेस होता है ना, जैसे 200 MPa है, स्ट्रेस दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है, तो वहां से फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं बेटा क्यों निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब अपन ने फोर्स निकाला, तो वो फोर्स उस पे लगाया अपन ने, तो उससे पता चला कि ये मतलब अगर वो लोड अपन ने लगाया तो आपका मटेरियल सेफ है, आपका मटेरियल सेफ है, क्योंकि यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपने फोर्स निकाला है। अगर उससे ज्यादा फोर्स अगर आप लगाओगे, मैंने एक एग्जांपल लेके ही चल रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि 200 MPa यील्ड पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग एरिया जो दिया हुआ है उसमें अपन को लोड जो मिल रहा है वो लोड मिल रहा है 50 N का, ठीक है, 50 N का लोड लगाएंगे तो हमें जो स्ट्रेस मिलेगी मैक्सिमम वो यील्ड पॉइंट के बराबर मिलेगी, तो यील्ड पॉइंट के बराबर मिलेगी, तो इसका मतलब मटेरियल आपका सेफ है ना। अगर मैंने 50 N के बाद 51 N या 52 N भी फोर्स लगाया तो फिर उस केस में आपका स्ट्रेस मटेरियल में जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, मतलब यील्ड पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा,
जैसे ही यील्ड पॉइंट से ज्यादा आया मटेरियल फेल होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, यही होता है कि नहीं, है ना। पर दिक्कत ये है कि अब आपने ये बताया कि 50 न्यूटन का जो लोड है वो सेफ है, आपने ये बताया 50 न्यूटन का जो लोड है वो सेफ है, 50 न्यूटन तक अपन लगा सकते हैं, पर सिर्फ एक लोड 50 ही बार बार लगाते रहेंगे तो सेफ है। अगर आपने कभी 20 न्यूटन लगाया, कभी 40 लगाया, कभी 50 लगाया, कभी 10 न्यूटन लगाया, ऐसे आप वेरी करते जा रहे हो, कंप्रेशन में भी जाइए, -50 लगाया, -40 लगाया, ठीक है, माइनस इसलिए लगा रहा हूँ मतलब कंप्रेशन, पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, आपका नेगेटिव मतलब कंप्रेशन। तो क्या है कि अपन जो डिजाइन में क्या देखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे माइनस और प्लस का मतलब ये नहीं होता है, माइनस का मतलब कंप्रेशन, प्लस का मतलब होता है टेंसाइल, ठीक है। तो अपन कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं, टेंसाइल फोर्स भी। तो उस केस में क्या होता है, मटेरियल आपका फेल नहीं, मतलब भाई हमने तो बताया कि भाई 50 न्यूटन का लोड लगाओगे तो कभी फेल नहीं होगा, फिर भी यील्ड पॉइंट से पहले आपका मटेरियल फेल हो जाता है। जैसे कि अपन एक छोटी सी वायर, पतली वायर होती है, पतली वायर को कैसे तोड़ते हैं अपन, वायर टूटती है कैसे तोड़ते हैं उसको, नीचे पहले तो अपन नीचे इसको करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके एक टाइम आता है वो आपका वायर टूटती है, टूट जाती है वो वायर, बड़ी आसानी से टूट जाती है। पर अगर आप उसको वायर को जैसे बेंडिंग, कैसे बेंड करके तोड़ते हैं ना वायर को, कैसे तोड़ते हैं स्वामी, आ रहा है वायर को कैसे तोड़ते हैं, मैं फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए, कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा, ये चालू हो जाए वेबकैम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे अपन बेंडिंग वायर को कैसे तोड़ते हैं, बेंड करके तोड़ते हैं, पहले नीचे बेंड किया फिर ऊपर बेंड किया, ऐसे कंटिन्यू बेंड करते जाते हैं, ऊपर नीचे बेंड करते जाते हैं, तो फाइनली एक टाइम आता है आपका वायर टूट जाती है, टूटती है कि नहीं, ठीक है, टूटती है वायर, तोड़ी है ना कभी आपने, जो इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, ठीक है, जो कनेक्शन के लिए यूज होती है, वो वायर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें क्या है, अगर आप सिर्फ नीचे बेंड करते हैं तो टूटता है क्या मटेरियल, वायर नहीं टूटती है, उसके लिए फिर से आपको ऊपर बेंड करना पड़ता है, फिर नीचे बेंड करना पड़ता है। तो ये क्या कर रहे हो, मान लीजिए आपने नीचे बेंड किया वो आपका टेंसाइल है और ऊपर बेंड किया वो कंप्रेशन है, मान लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं होता है। तो क्या होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अपोजिट फोर्स और वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं अपन, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो कंटिन्यूसली अपन फोर्स को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स को चेंज कर रहे हैं तो ही आपकी वायर टूट रही है, अदरवाइज आपकी वायर नहीं टूटती है। आप सिर्फ एक बार वायर को ऐसे नीचे बेंड कीजिए, टूटेगा क्या वो, नहीं टूटेगा, आपको नंबर ऑफ टाइम उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी वो टूटता है। और वो क्यों टूटता है, इसका मतलब ये है कि आपने वायर पे अगर एक बार नीचे फोर्स लगा के बेंड किया है वो नहीं टूट रहा है, मतलब आपने उसके यील्ड पॉइंट को टच नहीं किया है। पर अगर आप उसमें वेरिएबल लोड उतना ही फोर्स का लगा रहे हो बार बार, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो यील्ड पॉइंट से पहले भी फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है वेरिएबल लोड को समझने का, ठीक है। तो अपन आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कि अपन को किसी भी मशीन में, आप खुद जानते हैं कि हमारे पास जो, आपने तो लेथ मशीन भी देखी है तो लेथ मशीन में भी देखी है या कहीं भी किसी भी मशीन में, एक स्टैटिक लोड नहीं लग सकता है, वेरिएबल लोड लगेगा। क्योंकि अगर अपन पावर देते हैं, जैसे लेथ मशीन में पहले आरपीएम अपन ने उसको चक को धीरे घुमाया, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाई, कभी धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पावर की जरूरत पड़ती है। तो पावर जो अपन देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स निकलता है, वो जो फोर्स आता है, जो अपन को जैसे आरपीएम ज्यादा देना है तो ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, अगर आईपीएम कम देना है तो कम फोर्स देना पड़ता है। तो ये वो क्या है कि अपन एक ही टाइम में नंबर ऑफ वेरिएबल लोड उसमें अप्लाई करते हैं,
और हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक ऑपरेशन में सिर्फ एक ही लोड अप्लाई किया जाता हो। अभी तक अपन ने बेसिक पढ़ा था कि एक लोड लग रहा है और एक लोड लग रहा है और उसके बाद मटेरियल कैसे फेल होता है, तो अपन ने पढ़ा कि यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा, अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचेगा तो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। पर अब अपन ये पढ़ेंगे किसी भी मटेरियल में, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि सर अब क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी मटेरियल जिस पे लोड लग रहा है 20 न्यूटन का टेंसाइल और 40 न्यूटन का कंप्रेशन, 40 न्यूटन का कंप्रेशन, ये दो लोड लग रहे हैं, मतलब वेरी कर रहा है, एक तो 20 न्यूटन है और दूसरा आपका 40 न्यूटन है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए इस डायरेक्शन का मतलब आपका टेंसाइल होता है, इस डायरेक्शन का मतलब कंप्रेसिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखता है, लिखा है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे ये, अब अपन पढ़ेंगे ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको एरिया दिया है, तो हमें अब इसके बारे में जिक्र करना है, आया समझ में। तो वेरिएबल लोड का मतलब क्या है कि किसी भी बार पे नंबर ऑफ वेरिएबल लोड लगे, ये तो मैंने अभी दो ही दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो इस केस में, इस केस में अपन, इस केस में अपन यील्ड पॉइंट पे बात नहीं करते हैं, इस केस में अपन बात किस पे करते हैं, इंड्योरेंस पॉइंट पे बात करते हैं, किस पे, इंड्योरेंस लिमिट। जैसे यील्ड पॉइंट, यील्ड लिमिट होती है, अल्टीमेट पॉइंट होता है, ऐसे ही फटीग पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। अभी पढ़ेंगे आगे चल के अपन इसके बारे में, इसके डेफिनेशन वगैरह अपन पढ़ेंगे। तो जो भी इसमें जो ग्राफ बनता है, अपन जो बचपन से ग्राफ बनाते हुए आए हैं, तो अपना ग्राफ जो है ये है, ठीक है। तो जैसे ये यील्ड पॉइंट है, अगर ये यील्ड पॉइंट है तो आपका जो इंड्योरेंस पॉइंट होता है वो यहाँ पे कहीं होता है, मतलब जो आपका इंड्योरेंस पॉइंट होता है, कहा जाता है कि किसी भी मटेरियल का जो इंड्योरेंस पॉइंट होता है, इंड्योरेंस पॉइंट होता है वो 50% होता है किसका, यील्ड पॉइंट का, ठीक है। 0.5 ऑफ, 0.5 ऑफ यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा वाई से, ठीक है। तो ये सब, ये क्या है, ये सिग्मा वाई, यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट, ये सब आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के पोर्शन है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को बारे में पता होना जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं होता है, इसको मैं इक्वल साइन ना लगा के मैं नीचे इसको ऐसे कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। ये वेरी कहाँ से कहाँ करती है मैं ये भी बता देता हूँ, ये वेरी करती है 0.45 से लेके, 0.45 से लेके 0.55, ठीक है, 0.55 तक ऐसे वेरी करती है, ठीक है। अगर अब इसमें, इसमें मैं आप लोगों को, अभी मैंने टॉपिक तो मैं आज स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, नेक्स्ट क्लास से टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं बस आपको ये अब आज ये बता रहा हूँ कि अपन डिजाइन में कैसे अप्रोच करें। आप पूछेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है, यील्ड पॉइंट दिया हुआ है, इंड्योरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इंड्योरेंस पॉइंट कैसे पता करेंगे। तो उस केस में आपको अगर ये इसकी जानकारी भी नहीं दी हुई है कि मटेरियल कौन सा है या कुछ कुछ भी जानकारी नहीं दी है, तो उस केस में आंख बंद करके आपको ये कंसीडर करना है कि यील्ड पॉइंट इज 50% ऑफ इंड्योरेंस पॉइंट, सॉरी इंड्योरेंस पॉइंट इज 50% ऑफ यील्ड पॉइंट, ठीक है। अगर अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है यील्ड पॉइंट इज 0.48% ऑफ यील्ड, सॉरी इंड्योरेंस पॉइंट इज 0.48% ऑफ यील्ड पॉइंट, तो उस केस में अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भैया वो 50% होता है,
उस केस में आपको 0.48 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है आपको। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है दोनों के बीच में रिलेशन, तो वही रिलेशन लेना है। तीसरा, डिजाइन में सबसे टफ यही रहता है डिजाइन डेटा बुक का होना। डिजाइन डेटा बुक में एक्चुअली में अगर आपके पास डिजाइन डेटा बुक है और एग्जामिनर को पता है कि आपके पास डिजाइन बुक रहता है, तो उस केस में वो क्वेश्चन पेपर भी वैसा बनाता है, बनाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करेगा कि वहां पे उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या मटेरियल के बारे में जिक्र कर देगा, स्पेसिफिक मटेरियल दे देगा, बोल देगा कि कास्ट आयरन है, बोल देगा कि कास्ट स्टील है, ठीक है, ये बोल देगा, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में। तो उस केस में आपको, मैंने यह क्या बोला, ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है, बोला था कि नहीं, तो इसकी वैल्यू होती है 0.45 से 0.55। तो उस केस में आपको डिजाइन डेटा बुक में देखना पड़ेगा कि कास्ट स्टील के केस में क्या रिलेशन होता है एंड्योरेंस पॉइंट और यील्ड पॉइंट के बीच में, कास्ट आयरन के केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, उसमें उस केस में आपको डिजाइन डेटा बुक में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आया समझ में, तभी उसको यूज करना है। अगर कोई भी चीज स्पेसिफिकली, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उस केस में आंख बंद के आकर के आपको ये कंसीडर करना होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे समझ में। तो फाइनली अपन क्या करने वाले हैं और इस ये वेरिएबल लोडिंग की वजह से, वेरिएबल लोडिंग की वजह से जो फेलियर होता है उसका नाम होता है फटीक फेलियर। उसका जो नाम होता है वो होता है फटीक फेलियर। तो इसीलिए अपन सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे फटीक कंसीडरेशन इन डिजाइन। तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सेकंड का बेसिक पोर्शन ही आपका यही है, जिसमें वेरिएबल लोडिंग अपन को पढ़नी है, क्योंकि स्टैटिक लोडिंग तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, स्टैटिक लोडिंग आप पढ़ चुके हो, अब अपन को पढ़ना है वेरिएबल लोडिंग। आया समझ में? सबको समझ में आया बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है अभी भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है इस, मतलब अभी टॉपिक तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर कोई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। मनीष कुमार सुथार आए हो या फिर ज्वाइन किया हुआ है सिर्फ? यस सर। ऐसे ही सब लोग ज्वाइन ही रहे ना, मतलब अटेंडेंस कैसे लेते हैं अदर फैकल्टी? अटेंडेंस कैसे ली जाती है? सूरज सर के पास हार्दिक मीना तुम बोलो सर। सूरज सर के पास तो कोई सॉफ्टवेयर है, उससे लेते हैं सर। अच्छा, डायरेक्ट तो वो कैसे, मतलब गूगल मीट के थ्रू लेते हैं कि कैसे सर? मतलब पूछते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया, ऐसा करके पूछते हैं क्या? नहीं सर, नहीं पूछते नहीं है सर वो। अच्छा, और बाकी फैकल्टी कैसे लेती हैं? अरुण सर फोटो लेते हैं। फोटो लेते हैं? हाँ सर। अच्छा, वो जैसे अभी 18 लोग ज्वाइन किए हैं, एक फोटो ले लिया ऐसा? इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या कि अटेंडेंस आ जाए? चलो अभी तो मैं नोट कर लेता हूँ आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास से मैं सूरज सर से पूछ लूंगा, वही अपन भी उसको फॉलो कर लेंगे, है ना? ठीक है अभी। यस सर, अभी मैं इसको नोट कर लेता हूँ। इंक्लूडिंग मीन 17 लोग हैं, मतलब टोटल 16 लोग प्रेजेंट हैं आज। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ।